बॉलीवुड और टेलीविजन पर एक ऐसी किरण पड़ी है जिसकी चमक आज भी बरकरार है। हम बात कर रहे हैं किरण कुमार जी की, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका दिन किस तरह से बीतता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे हैं आप? फाइन थैंक यू। आइए बताइए, यहाँ पर इतना बड़ा घर है, सर को ढूंढा जा रहा है, सर मिल नहीं रहे, कहाँ हैं सर? आई विल टेक यू टू हिम, प्लीज कम, ही इज गेटिंग रेडी फॉर द शूट, प्लीज कम। कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार, हाउ आर यू फिलिप? बस बढ़िया सर, कैसे हैं आप? इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, हम तो आपको ढूंढ ढूंढ के थकेगी, मतलब कहाँ हो आप? यार कोई बड़ा बड़ा घर नहीं है, नॉर्मल सा घर है ये, बस लोग जो रहते हैं उनके दिल बड़े हैं, इस घर में और कुछ नहीं। जी ये बताइए, आज हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका दिन बीतता है और क्या क्या सारी चीजें होती है। आप मेरा दिन तो हमेशा शुरुआत, मतलब टाइम फॉर मी टू गो टू वर्क जी, और काम पे निकल जाएंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा कार्डियो कर लेते हैं, थोड़े से वेट्स कर लेते हैं, तो निकल जाते हैं काम पे। एट माय एज आई हैव टू कीप माय सेल्फ वेरी फिट एक्चुअली। कुछ ऐसी बातें बताइए जो हमारे दर्शक किरण जी के बारे में नहीं जानते हो। जो एक्टर होते हैं उनकी ज़िंदगी तो एक खुली किताब की तरह ही होती है, बल्कि वाइफ से ज़्यादा चीज़ें मेरे ख्याल है आजकल से पब्लिक जानती है, बिकॉज ऑफ यू मीडिया पीपल। जो भी सीक्रेट्स है वो 30 साल 32 साल पहले खत्म हो गए। ऑन स्क्रीन काफ़ी नेगेटिव किरदार इन्होंने निभाया है, कभी ऐसे लगा है कि मतलब जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई कैरेक्टर चला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी जो फिल्मी ज़िंदगी है वो इस घर से बाहर ही रखी है। जब इस घर के अंदर आते हैं देन ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। जिस तरह से हमने देखा है कि संयुक्त में जो आप काफ़ी केयरिंग हस्बैंड हैं, काफ़ी लविंग हस्बैंड हैं, रियल लाइफ में आप कितने केयरिंग और कितने लविंग, कितने रोमांटिक हैं, हम बेसिकली ये जानना। अब तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। जी, रोमांस अभी तक 32 साल के बाद हमारी ज़िंदगी में बरकरार है, एंड संयुग में जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ही सही दिखाया जा रहा है। ही इज़ वेरी मच अ रोमांटिक पर्सन। एक हमारे घर के बुजुर्ग हैं, मतलब देखिए घर में बुजुर्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो हैं हमारे घर के बुजुर्ग हैं, इनके साथ मेरा कनेक्ट है, इनके ज़रिए मैं इनके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, मेरे माता पिता के साथ इनके साथ कनेक्शन हो जाता है। और ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं ना, ये कुर्सी, ये बस हिस्टोरिकल कुर्सी है, ये मेरे पिताजी की कुर्सी थी। तो जब भी मुझे इनके संपर्क में आना होता है या इन्हें कांटेक्ट करना पड़ता है, इन दोनों मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत हैं मेरे घर में, अगर जब भी मुझे इनके साथ कांटेक्ट करना होता है तो मैं इस कुर्सी पर आके बैठ जाता हूँ, और द मोमेंट आई सिट एंड जस्ट हैव टू कॉल आउट देयर नेम, इनका नाम पुकारना, बस नाम ही पुकारता हूँ और फिर बातें शुरू हो जाती हैं। सिर्फ यही नहीं है, ये इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ भी है कुछ, वहाँ भी है कुछ, यहाँ भी ये खुद ही खींचते हैं, निकालते हैं, इधर जो ऊपर दो चार चीजें होती बस रोज वही पहन पहन के चले जाते हैं, यहाँ तक तो कभी नौबत ही नहीं आती। ये कलेक्शन है एक्चुअली, ये सब जो कलेक्शन है इसका, ये जो इसका जो श्रेय है ये मेरे बेटे शौर्य को जाता है, बिकॉज बेसिकली ही द परफ्यूमर ऑल्सो, आई मीन ही डिजाइन हिज ओन परफ्यूम, ही क्रिएट्स हिज ओन फ्रेग्रेंसेस। यस, माई सन शौर्य, ये सारी जो फ्रेगरेंस हैं ये तो खैर अलग अलग किस्म की बॉटलें हैं, लेकिन बेसिकली क्या करता है, ये खुद की फ्रेगरेंसेस बनाता है शौर्य, और इट्स हिज हॉबी, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव हॉबी, वेरी गुड हॉबी। बट आई शैल शो यू माई मोस्ट फेवरेट परफ्यूम इज दिस, विच आई ऑलवेज यूज इज दिस, इज एंटियस बाय शनेल, एंड दिस इज जियां पॉल गॉटियर। तो ये दो हैं, ये जो दो हैं ये मेरी फेवरेट्स हैं, मैं हमेशा इसे यूज़ करता हूँ शूटिंग पे जाते हुए, ये यूज़ करता हूँ, और अगर कोई अच्छी खूबसूरत कोस्टार हो तो फिर ये यूज़ करता हूँ। ये भी, ये एक्चुअली एक्सक्लूसिवली मेरा है, तो जब मैं एकांत चाहता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ, लेकिन सोता कभी यहाँ नहीं। देखिए मैंने शुरू से एक चीज़ अपने पिताजी की फॉलो की है कि घर वही सुखी होता जब इंसान जो भी कमाता है, 5 रुपये कमाए या 5 लाख कमाए या 5 करोड़ कमाए या जो भी कमाए, वो अगर पत्नी के हाथ में दे दिया जाए तो यही हमेशा बेहतर होता है। आई डोंट नो, मैंने कभी इनसे हिसाब मांगा नहीं,
मैं तो आज भी इनसे पॉकेट मनी लेता हूँ। जी हाँ जी हाँ, गणपति से आइए मिलिए और मिलते हैं, फिर चलते हैं शूटिंग में। यार लेट हो रही है, संयुक्त की शूटिंग है भाई, चलो आप। ये मेरे क्यूटी पाए हैं, ये मेरे भगवान जी हैं, मेरे दोस्त हैं, और ये बाल स्वरूप हमारे गणपति जी हैं, और इनका हमारे घर में आगमन पिछले 65 सालों से हो रहा है। और ये जो 7 दिन हमारे जिंदगी के होते हैं, मेरे और मेरी पत्नी के, हमारे घर के बच्चों के, सभी के, ये जो 7 दिन होते हैं जब ये आते हैं हमारे घर, ये इस घर के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। और मैं इनको छोटे बोलता हूँ, ए छोटे तू उठ गया सुबह इन द मॉर्निंग, जब भी सुबह उठूंगा सबसे पहले आके इनको बोलूंगा गुड मॉर्निंग, ये छोटा उठ गया तू, फिर छोटा फिर इनका जब श्रृंगार हो जाता है, छोटा तूने नहा लिया, तो मेरा एक इनके साथ एक ऐसा कनेक्ट है मेरे पापा के साथ कि जब भी आते थे घर में, बहुत छोटा था तो जब विसर्जन होता था तो मैं बहुत रोता था। अब आप अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम संयुक्त की शूटिंग करने निकले। हमेशा इसी रास्ते से जाने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं काम पे जाऊँ, क्योंकि जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो ये जो बांद्रा मस्जिद है जो आ रही है अभी सामने, इससे मेरा बचपन से बड़ा ही कनेक्ट रहा है, और हमेशा जब भी इनके सामने से गुजरता हूँ तो हमेशा मेरा सर झुक जाता है, और बचपन की कई यादें हैं जो इस बांद्रा मस्जिद से जुड़ी हुई हैं। मेरे पिताजी और मैं जब भी जाते थे गाड़ी में तो मेरे पिताजी हमेशा अपना सर झुका लेते थे। मैंने 3 साल के बाद टेलीविजन किया है जी, और 3 साल तक मैं इंतजार करता रहा, ऑफर्स आते रहे, लोग आते रहे कि ये शो है ये शो है, मैं कहानियां सुनता था, लेकिन कहानियां जो है वो मेरे दिल को छूती नहीं थी जी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे टेलीविजन करना है तो मैं कुछ ऐसा किरदार निभाऊं या ऐसा कोई शो करूं जो जिसके जो कैरेक्टर्स हैं वो रास्ता चलते हैं मुझे नजर आए जी। एक सवाल ये बनता है कि आपने बॉलीवुड में इतने किरदारों को जी लिया है, तो कभी ऐसे लगा है कि कोई एक किरदार से आपको निकलने के लिए काफी समय लगा हो? जी हाँ, वो किरदार से निकलने में समय नहीं लगा, वो किरदार से मैं निकल ही नहीं पाया। निजाब एक फिल्म थी मेरी जहाँ पर मैंने एक लोटिया पठान साहब थे उनका किरदार निभाया, और वो जो लोटिया पठान साहब जो हैं वो मेरे कंधे पे आके ऐसे बैठे हैं कि मैं अभी तक उनको मैंने कई बार उन्हें झटकने की कोशिश की कि मैं अपने कंधे से उन्हें उतार दूं, लेकिन वो उतरने का नाम ही नहीं लेते, और जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोटिया 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 होता है, और लोटिया पठान साहब को उससे मुझे अब मैं चिढ़ने लग गया उससे। पिताजी के साथ कभी कोई ऐसा वाकया बताइए जो आज तक कोई ये भी जानता नहीं हो, तो सास बहू साजिश पे कुछ खुलासा करें। मेरे पिताजी ने माइथोलॉजिकल फिल्में भी की हैं, और उसमें उन्होंने नारद भगवान का किरदार निभाया है, और नारद भगवान का किरदार उन्होंने 61 फिल्मों में किया है। आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर एनी एक्टर टू हैव परफॉर्म्ड वन पर्टिकुलर रोल इन सो मेनी डिफरेंट फिल्म्स। कई लोगों ने नारद भगवान का किरदार निभाया लेकिन कोई नजदीक नहीं आ सका उनके। हम पहुंच गए हैं टीमी विला जहां पर हम संयुक्त की शूटिंग करते हैं रोज, और ये मडालैंड है। अब आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लोकेशन है। मेरे मेकअप रूम में आए हुए हैं आप, तो अभी तक तो मैं किरण ही हूं, और मैं अब गोवर्धन बन जाने वाला हूँ।
भाई मेरे घर में आप किरण से मिले, आज यहाँ संयुक्त के सेट पर गोवर्धन मेहता से मिले, तो आपने देख लिया कि हमारा दिन कैसे शुरू होता है और कैसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।